बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ हम पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा की दो टाइप्स हैं आपके सिलेबस में जो आप पढ़ेंगे। एक है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी एंड द अदर वन इज़ ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई। तो जो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी है वो अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कॉज करता है, और ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस कॉज करता है। ठीक है, ये डिफरेंस आप यहीं से याद रख लें, क्योंकि सिनेरियो में वो जो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आया होता है। तो इसी तरह से पूछते हैं, अफ्रीकन साथ लिखा होता है, अमेरिकन साथ लिखा होता है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट है, डिजीज़ भी डिफरेंट हैं, और साइन एंड सिम्टम्स भी, फीचर्स सब कुछ डिफरेंट है। आपने अफ्रीकन एंड अमेरिकन को अलग अलग और से सुन लें। तो पहले हम स्लीपिंग सिकनेस देख लेते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो है ये कॉज होती है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई से। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई कॉज करता है अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, और इसको आप कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इसलिए कहते हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि पेशेंट जो है वो स्लीपी और कोमाटोज़ सा होता है। वो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट करता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये याद रखें कि जो अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस है वो कॉज करता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस इज़ द डिजीज़, और इसका दूसरा नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में। अब ये जो डिजीज़ है इसका ये कैरियर है सिट्सी फ्लाई। ठीक है, सिट्सी फ्लाई बाइट करती है, और ये जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट वो सिट्सी फ्लाई की बाइट के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। ये है सिट्सी फ्लाई। ठीक है, ये कैरियर है, वेक्टर है, इसकी बाइट से ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है। ये है जनाब स्लीपिंग सिकनेस के क्लिनिकल फीचर्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जहाँ पे सिट्सी फ्लाई ने बाइट किया था वहाँ पे एक अल्सर बन जाता है, कैंकर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये कैंकर नज़र आ रहा है, जहाँ पे फ्लाई ने बाइट किया था वहाँ पे इस तरह का अल्सर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर फीवर हो जाएगा। ठीक है, फीवर 1 to 2 weeks तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे, और उसके साथ साथ जो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनकी एनलार्जमेंट होगी। ठीक है, और इसके बाद न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, और उसके साथ साथ फिर पेशेंट जो है वो आहिस्ता कॉमाटोज हो जाएगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म कॉमे में रहता है फिर पेशेंट। ये यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में दिए हैं फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। तो शॉर्ट टर्म सिम्टम्स में है जनाब अल्सर, फीवर, मायल्जिया, आर्थ्रेल्जिया एंड लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। उसके बाद लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं, उसमें आता है लिथार्जी, ट्रेमर्स, मेनेंजो इनकेफलाइटिस, मेंटल रिटार्डेशन एंड डिटेरियोरेशन। एंड पे फिर फाइनल स्टेज ऑफ द डिजीज़ आती है, उसमें कन्वर्जेंस, हेमिप्लेजिया, कोमा एंड डेथ। तो नाम से भी आपको पता चल रहा है कि ये अफ्रीकन रीजन में थोड़ी सी कॉमन है ये डिज़ीज़, हमारे यहाँ पे कम देखने में आती है। अब इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल इसका बहुत ही आसान है, दो आपने चीज़ें याद रखनी है। ट्राइपोमेस्टिगोट्स इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ट्राइपोमेस्टिगोट जो है वो सिट्सी फ्लाई के थ्रू ह्यूमंस में आएंगे, और ह्यूमंस फिर से सिट्सी फ्लाई में जाएंगे। बस इतनी सी बात है, देख लेते हैं। सबसे पहले जब सिट्सी फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है तो जो इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसके ब्लड में से ट्राइपोमेस्टिगोट्स सिट्सी फ्लाई में चले गए। ठीक है, वहाँ पे जाके सिट्सी फ्लाई की गट में पहुँचेंगे, और वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होके ये एपीमेस्टिगोट्स बनाएंगे।
ठीक है, ह्यूमन से ट्राइकोमेस्टिक ओट्स लिए और स्लाइवरी ग्लैंड्स में गए, वहाँ से गट में गए और डिफरेंशिएट होके एपीमेस्टिक ओट्स बन गए। ठीक है, अब ये जो एपीमेस्टिक ओट्स हैं ये डिफरेंशिएट होंगे और मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिक ओट्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो मेटासाइक्लिक ट्राइकोमेस्टिक ओट्स हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड्स में जाएंगे और यही उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होगी ट्राइपोमेस्टिक ओट। ठीक है, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक ओट। और जब अब सिट्सिफ्लाई ने बाइट करना है ह्यूमन को, जैसे ही बाइट करेगी तो ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिक ओट्स ह्यूमन के ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जाके फिर ये डिजीज़ कॉज करेंगे, फीवर होगा और वो सारे क्लिनिकल फीचर्स जो आप देख चुके हैं। ठीक है, वहीं से फिर जब कोई फर्दर जब कोई सिप्सीफ्लाई बाइट करेगी तो फिर ये दूसरा वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ये ड्राइंग है, ये आपने देख लेनी है, यही वाले स्टेप्स हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस इसमें दो ही स्टेजेस हैं। अच्छा, अब है जनाब लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस के लिए आपको पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है पैरासाइट्स की वो माइक्रोस्कोपी है। माइक्रोस्कोपी करेंगे आप, थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर्स बनाएंगे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इस तरह से पैरासाइट नज़र आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आपको। ठीक है, उसके अलावा फिर आप सीरोलॉजी है, एलाइजा है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, ये टेक्निक्स हैं बस। ये था जनाब अफ्रीकन ट्रेपानोसोमियसिस, ये उसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है। सिट्सीफ्लाई को आपने बेसिकली जो कैरियर है उसको आपने कंट्रोल करना है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें वगैरह वगैरह। अफ्रीकन ट्रेपानोसोमियसिस आपने देख लिया, अब हम अमेरिकन ट्रेपानोसोमियसिस देखते हैं। ठीक है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपानोसोमा क्रूजी। ठीक है, जो अफ्रीकन था उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था ट्रेपानोसोमा ब्रूसियाए। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेपानोसोमा क्रूजी। जो ट्रेपानोसोमा क्रूजी है वो कॉज करता है चागास डिजीज़, इसको कहते हैं आप अमेरिकन ट्रेपानोसोमियासिस। ठीक है, इसके डिफरेंसेस आप देख लें, वहाँ पे कौन था कैरियर, वहाँ पे वेक्टर था सिट्सीफ्लाई। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो है ये बग है, इसका नाम है रिडोविएट बग। ठीक है, इसको मैंने अभी गूगल से निकाल के प्रोनाउंस इसका देखा है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इसको किसिंग बग कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम है वो है रिडोविएट बग। ये है जनाब इसका वेक्टर। ठीक है, ये बग आपने देख लिया, अब हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये है जनाब इसका लाइफ साइकिल, ये भी सेम ही है। ठीक है, इसमें भी ट्राइपोमेस्टिक ओट और एमेस्टिक ओट दो ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि यहाँ भी ये किसिंग बग ने बाइट करना है। ठीक है, और ट्राइपोमेस्टिक ओट्स इसने रिलीज़ करने हैं। ये ट्राइपोमेस्टिक ओट्स ह्यूमन के ब्लड में जाएंगे, वहाँ पर एमेस्टिक ओट्स बन जाएंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट होकर ट्राइपोमेस्टिक ओट्स बनाएंगे और ये ट्राइपोमेस्टिक ओट्स फिर अगेन रिडोविएट बग में जाएंगे। अब ये आप इसके थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स देख लें चागास डिजीज़ की, अमेरिकन ट्रेपानोसोमियसिस के। इसमें होता क्या है जनाब, एक तो फेशियल एडिमा होता है। ठीक है, और इसको आप रमैना साइन भी कहते हैं। ये देखें आप यहाँ पे आपको ये एडिमेटस आई नज़र आ रही है। ठीक है ना, उसके बाद जहाँ पे बग ने बाइट करना है वहाँ पे एक नोड्यूल फॉर्म होगा, उसको आप चेगोमा कहेंगे। ये आपने प्लीज़ ये साइन और नोड्यूल का नाम याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में इसी तरह की चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी तो उसमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं और जीआईटी की इन्वॉल्वमेंट है, मेगाकोलोन होगा और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होंगी, एनलार्ज हार्ट होगा। ठीक है, डेथ हो सकती है, एरिथमियाज और कार्डियक फेलियर कॉजेटिव होंगे उसकी।
उसके बाद है जनाब लैब डायग्नोसिस। हमेशा की तरह आपने माइक्रोस्कोप में देखना है, अंडर द माइक्रोस्कोप आपको पैरासाइट नज़र आ जाएगा। तो माइक्रोस्कोपी इज़ द डायग्नोस्टिक। अगर आपने उसके अलावा कुछ करना है तो फिर सीरोलॉजिक टेस्ट्स होंगे, एलाइजा, पीसीआर वगैरह। तो ये था हमारा ट्रिपैनोसोमा। या इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है कई दफ़ा, आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है। आगे चलते हैं, अगला ऑर्गेनिज्म है जी टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाए कॉज करता है जनाब टॉक्सोप्लाज्मोसिस। देखते हैं क्या होता है। ये कैट जो हमारे घरों में हम रखते भी हैं, ये इसका डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट इज़ द ह्यूमन। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की एक फॉर्म है कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस पूछते हैं, बहुत दफ़ा आया हुआ है। आपको सिनेरियो में कहीं ना कहीं कैट या किटन का जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्लू मिल जाएगा कि कहाँ से ये, एक तो आपको डेफिनेटिव होस्ट मिल गया और आपको ट्रांसमिशन भी पता चल गई, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। एडल्ट्स में जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। जो इम्यूनो सुप्रेशन वाले जो केसेस होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल होते हैं, उनमें फिर क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस की जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन अडल्ट्स वाले को मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें सिम्टम्स कम कम आते हैं, अगर आए तो फिर वो कौन से होते हैं, वो ये वाले सिम्टम्स हैं, ठीक है। एक्यूट सिम्टम्स होंगे और उसमें लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है। ऑक्यूलर फीचर्स होंगे, ये एक मिनट, इसको कहते हैं ट्रायड ऑफ कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है उसमें ये तीन चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में अक्सर, तो अगर मदर को टॉक्सोप्लाज्मा वाला इन्फेक्शन है तो वहाँ पे अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अबॉर्शन नहीं होता तो फिर बेबी में ये वाले फीचर्स आते हैं। एक होगा जनाब कोरियोरेटिनाइटिस, ठीक है। इसमें जो रेटिना है उस पर आपको येलो वाइट स्कार नज़र आएगा। दूसरा उसका फीचर है हाइड्रोकैफलस। हाइड्रोकैफलस आपको पता है किस तरह से प्रेजेंट करता है, जो बिग हेड होता है बेबी का, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आपने खुद भी देखे होंगे काफ़ी सारे इस तरह के केसेस। और थर्ड फीचर है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, ये आपको सीटी स्कैन पे नज़र आती है, ठीक है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन आप डायग्नोज कर सकते हैं बेबी की। तो ये आप ज़रा कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस देख लें, जो यहाँ इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। मैटरनोफीटल ट्रांसमिशन जो है वो होती है, ठीक है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसका जो फीटस है वो इन्फेक्टेड होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे ट्रांसमिशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 13 वीक्स पे 6% फीटस जो हैं वो इन्फेक्ट होंगे, लेकिन 36 वीक्स पे अप टू 70% जो फीटस हैं वो इन्फेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी फीटस इन्फेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा उसमें अबॉर्शन के चांसेस, उतना ही ज़्यादा वो फेटल हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीटस इन्फेक्ट हो गया है तो फिर वहाँ पे तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। CNS डैमेज होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस इन्फेक्ट हुआ है तो फिर आपको बेबी मिलेगा हाइड्रोकैफलस, ये आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोकैफलस बेबी, ठीक है। हाइड्रोकैफलस बेबी होगा, ब्लाइंडनेस होगी या फिर CNS का डैमेज होगा। उसके बाद अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्फेक्ट हुआ है तो फिर माइल्ड फीचर्स आएंगे, ठीक है, और वो भी CNS से रिलेटेड होंगे। ये था कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। आपने इसके क्लिनिकल फीचर्स ध्यान से
याद रखने हैं कि, और ये भी कि किस ट्राइमेस्टर में इन्फेक्ट हुआ है, तो क्या आउटकम होगा, कि कब कब क्या क्या होगा, ठीक है ना। जो मदर्स जो हैं वो प्रेगनेंसी से पहले एक्सपोज हो जाती हैं, वो फिर इन्फेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। और ये कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिस्ट फॉर्म में होता है, और सिस्ट फॉर्म जो है वो प्लेसेंटा के से पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि मदर को जब टॉक्सोप्लाज्मोसिस प्रेगनेंसी में होगा सिर्फ तब ही वो फीटस को ट्रांसमिट कर सकेगी, अदरवाइज फिर फीटस जो है वो सेफ रहेगा। अगर उसको प्रेगनेंसी से पहले कहीं वो इन्फेक्टेड हो चुकी है तो फिर अब वो ट्रांसमिट नहीं करेगी, क्योंकि जो सिस्ट फॉर्म है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, सिर्फ ट्रोफोजाइट फॉर्म प्लेसेंटा से पास थ्रू कर सकती है, और ट्रोफोजाइट फॉर्म उस वक्त वो हील अप हो चुका होता है, वो सिस्टिक फॉर्म में आ चुका होता है, ठीक है। तो ये कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के फीचर्स थे, आपको याद रहेंगे, ये आपने याद रखने, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोबारा देख लेते हैं समराइज्ड। इसमें अबॉर्शन होता है, स्टिल बर्थ होती है, ठीक है, अगर बहुत अर्ली इन्फेक्शन हो गया तो। अगर थोड़ा सा लेट सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर का इन्फेक्शन है तो फिर एनकेफलाइटिस होगा, कोरियोरेटिनाइटिस होगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली होगी। ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको सिनेरियो में दे दिए जाएंगे कि जी एक मदर का इस तरह से जो बेबी बॉर्न हुआ है उसके ये फीचर्स हैं, उसको कोरियोरेटिनाइटिस है या हेपेटोस्प्लेनोमेगैली है, इंट्राक्रेनियल के कैल्सिफिकेशंस नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो आप डायग्नोज करेंगे, और कहीं ना कहीं कैट का भी आपको क्लू दे दिया जाएगा। अब जनाब इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में आपने ना सबसे पहले ट्रांसमिशन लिखनी होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, दो तरह से इसकी ट्रांसमिशन है, एक तो ट्रांसप्लेसेंटल है, वो आपने देख ली है, ठीक है, मदर टू फीटस, और दूसरी जो है वो इस तरह से होती है कि आपको पता है कैट इसका डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है। तो जो कैट के जो इन्फेक्टेड जो कैट है उसके फीसेस अगर कहीं सॉइल्ड कोई कंटेमिनेटेड कोई चीज़ खा ली है किसी एनिमल्स ने, तो फिर आगे से वो एनिमल्स अगर हम खाएंगे अंडर कुक्ड फॉर्म में, तो फिर इस तरह से हम वो तब वो हमारे तक पहुंच जाएंगे। तो दो तरह से इसकी ट्रांसमिशन है, एक तो ओरोफेकल और दूसरी ट्रांसप्लेसेंटल। ये थी इसकी ट्रांसमिशन। अब इसके लाइफ साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन ने जो सिस्ट्स हैं वो इंजेस्ट किए, ठीक है, वहाँ से फिर ह्यूमन की गट में जाएगा, गट में फिर जाके मैक्रोफेजिस को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, वहाँ से फिर सिस्ट से ट्रोफोजॉइट बनेगा, ठीक है। ये ट्रोफोजॉइट्स जो हैं ये फिर सारे जितने भी आपने क्लिनिकल फीचर्स देखे हैं वो सारे कॉज करेंगे, ब्रेन में जाएंगे, मसल्स में जाएंगे, दूसरे टिश्यूज़ में, ठीक है, और वहाँ पे फिर ये ब्रेडिजॉइट्स बनाएंगे। ये वाले जो ब्रेडिजॉइट्स हैं ये दोबारा से फिर कैट में जाएंगे, कैट ने इंजेस्ट कर लिए, ठीक है, सिस्ट कंटेनिंग ब्रेडिजॉइट्स, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के सिस्ट, ठीक है, वहाँ पे जाके सिस्ट से ब्रेडिजॉइट्स रिलीज हो गए और मल्टीप्लाई करके गेमीटोसाइट्स बनाएंगे। गेमीटोसाइट्स वो साइट्स बनाएंगे, और ये जो सॉरी ओवोसिस्ट्स, ये जो ओवोसिस्ट्स हैं ये फिर कैट के फीसेस में रिलीज हो जाएंगे, और ये जो फीसेस है ये फिर कैट जो है वो कहीं पे भी जैसे कि सॉइल्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, वो फिर अंडर कुक वेजिटेबल्स अगर ह्यूमन में जाएंगी तो फिर अगेन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये था लाइफ साइकिल, ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, आपने इसी तरह से ये थोड़ा सा इसमें डिटेल्स कम है, आपने प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट में दिखाया हुआ है, इंटरमीडिएट भी किस तरह से ट्रांसमिशन होती है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है।
ये था जनाब लाइफ साइकिल। अब इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। लैब डायग्नोसिस में एक चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट होती है, आपने इसकी एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने होते हैं, IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शंस में IgG एंटीबॉडीज़ होंगे, क्रॉनिक में IgM होंगे। ठीक है, और माइक्रोस्कोपी आप करेंगे, जिम्सा स्टेन करेंगे स्लाइड को, और आपको फिर उसमें ट्रोफोजाइट्स नज़र आएंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये था टॉक्सोप्लाज्मा। प्लीज़ इसका जो कंजेनिटल वाली जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद कर लेनी अच्छे तरीके से। ये था जनाब आज का लेक्चर। इसमें एक और ऑर्गेनिज्म है, क्रिप्टोस्पिरेडियम पारवम। ये आप खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने आपको लेक्चर भेज दिया है, इसकी सॉफ्ट फॉर्म भी पावर पॉइंट वाली भेज दी हुई है आपके ग्रुप में, तो आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आया नहीं हुआ UHS में, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है इसको, आप रीड आउट करें और फिर मुझे बताएं। आज का लेक्चर था। अब हमारे जो प्रोटोजोआ हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, पैरासाइटोलॉजी हमारी आप समझें कि आधी रह गई अब। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक।